डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 9। पहले तो बेटा ये देखो, आप ये अगर किसी से डिवाइड होता है, कटता है तो जरूर काटो। पहले मन में ये सोचो क्या ये कटता है, उससे पता चलेगा आपको, छोटा होएगा सम, सिंपल सॉल्यूशन करने में आसान रहेगा, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये 5 पे कटता है, साइन अपॉन 10 आ गया, 10 के फैक्टर आप जानते हो, यस इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा तो डेसिमल लग जाए आराम से, साइन अपॉन 10 का मतलब 0.7, वेरी इजी। अब 10th पार्ट देखिए, 7/212 था, इसके काट दिया हमने, 7 पे कटता है ये, 11/30 आ गया, 30 के फैक्टर ये हो गए 2, 3, 5, ये आ गए। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि 3 आ गया, 2^5 की पावर में नहीं है, ये 3 आ गया बीच में, मैंने पहले की वीडियो में बताया आपको अच्छी तरह से। तो अगर सपोज करो ये 2 और 5 आ जाए तो फिर तो है ये, इट इज सिंपल, तो ये टर्मिनेटिंग है, 11/10, 1/10, अगर ये ना हो तो, तब की बात है, मैंने अपनी तरफ से बताया ये, अगर 3 ना हो तो, ये तो आपको पता ही है, ये तो था ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है विच आर रैशनल विच आर इरेशनल। तो बेटा पहला पार्ट देखिए, देखो 43 पॉइंट हटा के ये डिजिट 9 है, 1 के पीछे 90 हो गई, पॉइंट के नंबर 10 की 9 हो गई, 10 की 9 को हम लिख सकते हैं 2 की 9 इंटू 5 की 9, और आपको पता है वेयर डिनोमिनेटर इज 2 की पावर और 5 की पावर, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रैशनल होते हैं, ये रैशनल हो गया, ये इस फॉर्म में आ गया ना, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज इन द पावर ऑफ, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज इन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज रैशनल। तो इस तरह अब ये देखिए इधर सेकंड पार्ट, ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है ये इरेशनल है, इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसमें डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 की पावर आ ही नहीं सकता क्योंकि ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, इरेशनल नंबर तो होते ही हैं जिनको मतलब p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आता है थर्ड पार्ट, 9th क्लास में आपने पढ़ा है जितने डिजिट पे बार हो उतने ही 9 नीचे लिख दो, यानी कि हम उनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल होते हैं, ठीक है, ये 2 की पावर 5 की पावर में नहीं है लेकिन फ्रैक्शन में तो है, उससे अलग तो है। देखिए कितने डिजिट पे बार था, 9 है, 9 नीचे लिख दिए, ये p अपॉन q की फॉर्म में तो हो गया ना, मानते हैं कि 2 की पावर 5 की पावर में नहीं है लेकिन 9th क्लास में सीखा था जितने डिजिट पे बार हो उतने ही 9 नीचे लिख दो, ये रूल है वो, तो इसका मतलब इसको हम एक p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हालांकि मान गए हम 2 और 5 की पावर में नहीं है ये, लेकिन एक फ्रैक्शन जरूर है, इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज रैशनल, ठीक है बेटा, ये क्लास 9th में आपने पहले सीखा है। तो ये बताने थे, ये पहला रैशनल, दूसरा इरेशनल, तीसरा रैशनल, और ये पार्ट नंबर 9 और ये 10 क्वेश्चन फर्स्ट का। तो बेटा इट इज ऑल, एक्सरसाइज 1.4 इज ओवर विद एग्जाम्पल विद रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, आपने इस चैप्टर की समरी को बहुत ध्यान से रीड करना है और कॉपी पर लिखना है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, एक्सरसाइज को समझने के पॉइंट होते हैं, ओके बेटा, इट इज वेरी यूजफुल फॉर टू यू फॉर द नॉलेज, कहीं भी आपके काम आ सकती है नॉलेज, ये नहीं कि पेपरों में और कहीं भी, किसी भी टेस्ट में, किसी भी कंपटीशन टेस्ट में, किसी भी सर्विस देने, जब सर्विस के टेस्ट के लिए जाओगे तब भी काम आएंगी ये चीजें, ये समरी हमें जरूर पढ़नी चाहिए हर एक चैप्टर की, बड़े ध्यान से उसके रूल पढ़ने चाहिए, ओके बेटा, थैंक्स।